अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप तमाम ही लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय एक मूवी सीरीज बहुत ही वायरल हो रही है, द केरल जो मूवी बनाई गई है वो टोटली इस्लामिक टॉपिक पे बनाई गई है कि एक लड़की जो पहले इस हिंदू धर्म में थी, उसने इस्लाम कबूल किया, एक मुसलमान लड़के के साथ में शादी की, उसके साथ में एक इस्लामिक कंट्री या कह लो इस्लामिक शहर जिसमें चली गई वो, और वहाँ पे जाके उन लोगों ने RSS वगैरह जो भी था उस एक संगठन को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसका जो हस्बैंड था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, लड़की को इराक वालों ने अरेस्ट कर लिया और वो आज जेल में है। इस टॉपिक पे मूवी बनाई गई है। लेकिन मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कुछ लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही उधम काट रहे हैं। जैसे कि कल मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसपे बरेली में एक हॉल है वहाँ पे ये मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू संगठन के तरफ से दिखाई जाएगी। यानी जो लड़कियाँ या कोई भी लड़का अगर उस मूवी को देखने जाता है तो वह हिंदू संगठन के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट ले सकता है, चाहे 10 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो। वो आज मूवी 2 बजे दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत से मैंने मॉलों में भी बाहर के देखा है कि लोग नारे लगा रहे हैं और क्या मुल्लाओं को भगाओ यहाँ से। तो मेरे भाई, मैं नहीं जानता क्या मूवी का बनाने वाले ने किस चीज़ को लेकर बनाई गई है। फिलहाल ममता बनर्जी ने अपने शहर में सही करा, इस मूवी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि एकता हमेशा एकता में ही रहना चाहिए, ना कि हम किसी मूवी को बनाकर हर किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी करने लगें या फिर कोई बवाद इकट्ठा करें। मेरा ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद नहीं है कि मैं किसी के धर्म को ठेस पहुंचा रहा हूँ। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि अपना दिमाग लगाओ, दिमाग से यार सोचो कि मूवी वाला पैसा कमा रहा है और तुम जो एकता है सब में बनोगी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाईचारे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को रोटियां हजम नहीं हो रही हैं। तो इन लोगों ने एक मूवी बना डाली, द केरल स्टोरी सीरीज, उसमें दिखा दिया कि मुसलमानों से दूर रहिए, वो आतंकवादी हैं, आपका दिमाग जो है वॉश कर देते हैं, अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आपको। तो ऐसा कहीं नहीं है कि मुसलमान कहे कि आप भाई तू मेरे धर्म में आ जाओ। मैं हूँ, मेरे भी बहुत से हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं वो खास करके बहुत अच्छे, लेकिन मैंने आज तक उनसे नहीं कहा कि भाई मेरे इस्लाम धर्म में आ जाओ तुम। लेकिन एक चल रहा है लव जिहाद, उसके बाद पे टॉपिक करूंगा कि तुम लोग जो हो हिंदू धर्म के ये ठेकेदार हैं बहुत से, जो मतलब कहते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके खून से सींचा गया है हिंदुस्तान की ज़मीन को, तो जाके हिंदुस्तान की ज़मीन आज़ाद हुई है, ये किसी एक की ज़मीन नहीं है। जो तुम कहते हो कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हर समय करते रहते हो, और इतना आसान नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाना किसी। अगर भीमराव अम्बेडकर साहब चाहते तो हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन उन्होंने संविधान के अकॉर्डिंग सबको बराबर का हक हिंदुस्तान में दिया है। मेरे भाई यार संविधान तो उठा के देख लो पहले यार, फिर बात करना हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए। और ये लव जिहाद जो मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट करवा रहे हो तुम हिंदू धर्म में, उसे कहते हैं असली धर्म परिवर्तन। द केरल स्टोरी से नहीं होता है धर्म परिवर्तन, जो द केरल स्टोरी दिखा दिखा के कि कह रहे हो कि मुसलमान लोग जो हैं वो माइंड वॉश करते हैं आपका और अपने इस्लाम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं आप लोगों को। हम कोई कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी को, जो कन्वर्ट करते हो तुम कर रहे हो मुसलमान लड़कियों को, जो कुछ ठेकेदार जो बैठे हुए हैं धर्म के, 5-5 10-10 लाख रुपए दे रहे हो कि एक एक मुसलमान लड़की को लेके आओ, सबको टारगेट दे रखा है कि 16 लड़की लेके आनी है मुसलमान, 20 लड़की लेके आनी है कन्वर्ट करने के लिए, और रहने पीने का खाने का सबका खर्चा हम देंगे, और 6-7 महीना उन्हें अपने साथ रखो और मार दो कहीं ले आके, ये तुम्हारे ठेकेदार कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं ये काम। और सुन लो मेरी बात एक और,
चाहे मुझ पर कोई एक्शन भी ले सकते हैं, मुझे इतना मालूम है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर कोई एक्शन भी ले दो तुम लोग। फिलहाल मुझे इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, उसने मुझे इज्जत दी है और मौत भी वही देगा मुझे। मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। अगर बात इस्लाम के ऊपर आती है, चोट लगती है थोड़ी सी दिल को कि यार दो मूवी ऐसी आ चुकी हैं जिन्हें बैन करा गया है, जिसपे ज़्यादातर टॉपिक इस्लाम का ही रहा है। तो भाई इस्लाम से तुम्हें इतना क्या बुरा लगता है? इस्लाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है मेरे भाई? उल्टा तुम लोग बिगाड़ रहे हो इस्लाम का सब कुछ। हिजाब पे तुम लोग रोक लगा रहे हो। मेरे भाई हिजाब बहुत स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है हिजाब। पर्दा हमारे इस्लाम में जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अब एक बार बता दो, अगर कोई एक फूल है वो अपने अपनी खूबसूरती को छुपाता है, नहीं छुपाता है अपने पत्तों से? तो इस्लाम में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो शहजादी मानी जाती हैं, लेकिन कुछ शहजादियां ऐसी हो गई हैं बेपर्दा होकर इस्लाम को तख्तो ताज को उठा के एक बेहयाई का लिबास ओढ़ रखा है उन लोगों ने, जिनके चक्कर में जी आज के टाइम में मुसलमानों पे इतनी उंगली उठ रही हैं, इस्लाम पे इतनी उंगली उठ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, द केरल स्टोरी, अपनी मुसलमान बहनों से कहना चाहूँगा कि ना देखने जाएं और जितना हो सके अपने इस्लाम पे मजबूत रहिए, किसी भी चीज़ अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। ये मूवी मैं नहीं जानता कैसी है कैसी नहीं है, मैंने ना देखी है, बस जितनी भी न्यूज़ देख रहा हूँ उसमें न्यूज़ में बहुत इफेक्ट दिखाया है। मैं थोड़ी सी क्लिप अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, आप खुद देखना, और एक स्टेटस भी दिखाऊंगा। किसी ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था नंबर पे अपने, तो मैंने स्टेटस पे देखा था उसका स्टेटस कि बरेली में आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू संगठन की तरफ से मूवी देखिए अपने सब परिवार के साथ में। और एक मॉल की वीडियो दिखाऊंगा कि जहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, देखिए आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी लाइक और कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय बताना कि मैंने कुछ गलत कहा है या सही कहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले आना आप लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।